जब हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले बहुत सारी बुक्स पढ़ो, रिसर्च करो और उसके बाद सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करना है और उससे पहले आप सोच रहे हैं कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, क्योंकि एक ऐसी बुक है जहां पर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मुझसे काफी सारे लोगों ने यह कहा है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो बुक है इसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी समझने में डिफिकल्ट है, क्योंकि इस बुक को बहुत टाइम पहले लिखा गया है और जब इस बुक को लिखा गया था तब इंग्लिश भी अलग थी। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये बुक जो है वो जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप ये बुक पढ़ने वाले हैं तो इस बुक को पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो आपको इस बुक को पढ़ने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी और इस बुक को समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के कुछ बेसिक लर्निंग पॉइंट्स के बारे में, जो कि आपको हेल्प करेंगे इस बुक को पढ़ने के लिए और इस बुक को पढ़ने के लिए एनकरेज करेंगे। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनल फाइनेंस और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, बेंजामिन ग्राहम ये कहते हैं कि जब कभी भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको ये समझना है कि इन्वेस्टिंग क्या होती है और स्पेक्यूलेटिंग क्या होती है। आपको ये समझना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है और दोनों के बीच के डिफरेंस से ही आपको काफी अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। बहुत बार जब शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो लोगों को लगता है कि वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि ये लोग इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, ये लोग करते हैं स्पेक्यूलेशन। क्योंकि ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो बहुत सारे रिसर्च फर्म की एडवाइस लेते हैं, अपने दोस्तों की एडवाइस लेते हैं और इसी के साथ साथ किसी और की रिसर्च रिपोर्ट को देखकर ही ये लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। लेकिन ये किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये है स्पेकुलेशन। मतलब यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं कि किसी और के आइडिया पर एक बेट लगा रहे हैं कि अगर प्रॉफिट मिला तो ठीक है, नहीं तो लॉसेस तो होंगे। तो बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि जब कभी भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या किसी भी ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च जरूर करनी है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना अमाउंट कहाँ पर कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना है। तो जब कभी भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको खुद की रिसर्च करनी है। बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है मार्केट में और इसी के साथ साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स की रिसर्च कैसे करते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो उन वीडियोस को आप जरूर चेकआउट करना। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि आपको रखना है सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आपको ये भी देखना है कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो सेफ है या नहीं। अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स की वेल्थ है वो लूज हो जाती है, मतलब आप यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस कर जाते हैं, तो ये भी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो बहुत बार होता क्या है कि यस बैंक की तरह लोग जो है वो 381 रुपीस के आसपास तक का बाय तो कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर रिसर्च नहीं करने की वजह से, प्रॉपर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं रखने की वजह से इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी ज्यादा लूज कर जाती है। अगर मैं यस बैंक के करंट शेयर्स की प्राइसेस की बात करूं तो ये 13 रुपीस के आसपास कुछ है। आप सोच सकते हो कि यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने वालों का कितना ज्यादा लॉस हुआ। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी देखना है कि आपको कितने रिटर्न्स कमाने हैं। आपको सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये भी डिसाइड करना है कि आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर कितना रिटर्न कमाना चाहते हैं। अगर आप 6% तक के रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप FD में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप 12-18% के रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स कमाने हैं तो आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस बुक के सेकंड कांसेप्ट के बारे में, और सेकंड कांसेप्ट है मिस्टर मार्केट का। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि मिस्टर मार्केट एक ऐसे इंसान है जिनका मूड कभी भी चेंज होते रहता है। जब मिस्टर मार्केट का मूड अच्छा होता है तो मिस्टर मार्केट जो है वो किसी भी कंपनी के शेयर्स को हाई वैल्यू पर बेचते हैं, मतलब महंगे बेचते हैं। लेकिन जब कभी भी मिस्टर मार्केट का मूड ऑफ होता है तो यहाँ पर ये शेयर्स की प्राइस जो है गिरा देते हैं, बहुत सस्ते में दे देते हैं। तो बेंजामिन ग्राहम यही कहते हैं कि जब कभी भी आप किसी भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कभी भी कम प्राइस पर बाय करना है। जब मार्केट में प्राइसेस कम होती हैं तब इन प्राइसेस पर इन शेयर्स को बाय करना है। आपको एक डिप का पता लगाना है और इसी के साथ साथ इसी डिप पर इन शेयर्स को बाय करना है। अगर आप इस डिप पर बाय करेंगे तो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और ये बहुत सही टाइम होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करने का। और इसी के साथ साथ मिस्टर मार्केट के मूड को लेकर ये कहते हैं कि हम लोगों को कभी भी मार्केट को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट को फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब हम चलते हैं इस बुक के तीसरे कंसेप्ट के ऊपर। तीसरा कंसेप्ट होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर रिस्क कितना है। मतलब आपको यहाँ पर यह देखना है कि कितने चांसेस हैं कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और कितने चांसेस हैं कि आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का लॉस भी हो सकता है। देखो, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी एक ऐसे ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करना है जहाँ पर आपके जो रिटर्न्स हैं वो स्टेबल हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करना है, क्योंकि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के
पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो का कोई एक इंस्ट्रूमेंट या कोई एक इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉपर रिटर्न नहीं दे रही है तो इसके जो लॉसेस हैं, जो इसके कम रिटर्न है, ये मैनेज हो जाते हैं किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखने के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले, जब कभी भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको प्रेडिक्शन जो है आपका गलत भी हो सकता है, तो आपको प्रेडिक्शन के हिसाब से भी थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी चाहिए। तो चलो मान लेते हैं कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स पर रिसर्च की और आपको लगता है कि इस कंपनी के शेयर्स को 100 रुपीज में बाय करना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको इंतजार करना है कि कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस 100 से और नीचे आए, क्योंकि ये तो आपको लगता है ना कि कंपनी के शेयर्स 100 रुपए में हम लोग बाय कर सकते हैं, तो आपका प्रेडिक्शन जो है वो थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। तो इसी के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हम लोगों को आईपीओ से काफी हद तक दूर रहना चाहिए। अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो मार्केट में बहुत सारी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आप इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप काफी आसानी से बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स यूं ही बाय कर सकते हैं। लेकिन इसी के ऑपोजिट में अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट्स करने का जो प्रोसीजर होता है वो काफी लेंदी होता है, और अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर इस बात की भी गारंटी नहीं होती है कि आईपीओ के शेयर जो है वो आपको मिलेंगे। और अगर मैं रिसेंट डेज की बात करूं तो रिसेंट डेज में 2021 में 65 आईपीओ आए, और इनमें से बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स ऐसे थे जिनकी वैल्यू जो है वो गिरते जा रही है। तो अगर आप किसी भी कंपनी का आईपीओ में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर 50-50% चांस होता है, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, आप अच्छे पैसे नहीं कमा सकते हो। तो जब कभी भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखना है, और इसी के साथ साथ अपने शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी की शुरुआत करने से पहले इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स को जरूर पढ़ना। इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर इस बुक को बाय कर सकते हैं। और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा है। अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।